Hi guys, good morning everybody. Diwali is on its way and today is 23rd October और morning time है. Everywhere is a great mess. I am been cleaning home अभी और एक बार ये सारा cleaning हो जाए तो मैं आप लोगों को एक पूरा shopping overview पे लेके चलूँगी. वहाँ पे क्या क्या किया है वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे. बट शॉपिंग तभी होगी जब ये सब क्लियर हो जाएगा, फिर उसके बाद में शॉपिंग होगी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद क्लीनिंग. सो फॉर किचन ना, आई गॉट सम दिस काइंड ऑफ लाइक ऑर्गेनाइजर्स एंड स्टाफ इन द शॉपिंग, क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड चीज़ें रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. उससे आपका दिमाग सॉर्टेड होता है जब आप कुकिंग वगैरह करते हो. तो ये सारे ऑर्गेनाइजर्स हैं और भी कई सारे ऑर्गेनाइजर्स थे, मैं एक बार दिखा देती हूँ आप लोगों को. द सम वॉट लाइक दिस, ऐसे सारे मतलब जो डब्बे होते हैं फॉर स्टोरेज पर्पज़ एंड ऑल. जैसे ये तो मैंने ये सारे परचेज किए थे फॉर keeping the things organized and in place. Kitchen is a great mess right now, but I will sort it abhi. Aur ye to sab clean out kar diya hai, but then this things needs to be get done. Iske baad mein jab ye sari cheeze ho jayegi, I will be sorted. Abhi morning mein ho rahe hain 11 o'clock. मैं आराम से उठी आज, कल बहुत सारा काम किया था. अभी सारा काम हो जाने के बाद में आई विल जस्ट टेक माई शावर एंड फिर चलेंगे शॉपिंग पे. फिर शॉपिंग का पार्ट होगा और शॉपिंग में आई थिंक नॉट सो मेनी थिंग्स मुझे लेने हैं, बट बेसिक्स. ओके, सो लेट्स गेट इनटू क्लीनिंग. यू नो, मुझे हर मॉर्निंग मतलब एवरी अल्टरनेटिव मॉर्निंग मुझे क्या रोकता है काम करने से घर के, वहाँ शूटिंग चालू है. ये मेरे बिल्डिंग के आसपास हमेशा ये शूटिंग वूटिंग तो सब चलता ही रहता है और मैं यहाँ बालकनी में खड़े होकर वैसे शूटिंग देखती रहती हूँ सारा दिन. और मैं वहाँ काम कुछ करती हूँ नहीं और ये जो शूटिंग वाले हैं इन्होंने मेरा सारे काम बिगाड़ रखे हैं. मज़ा आता है कभी कभी देखने में, मैं बोर भी नहीं हो रही हूँ अभी तक. आई डोंट नो व्हाई, वहाँ ना कब से एक हीरो हीरोइन ऐसे ही खड़े हैं. आई डोंट नो, वो हिल ही नहीं रहे. मैं पिछले एक घंटे से उन्हें स्टॉक कर रही हूँ, वो वहीं के वहीं वही शॉट ले रहा है. आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन और मेरे काम नहीं हो रहे. अब मैंने सोचा अब मैं इसके तरफ मुड़ के नहीं देखूँगी, अब बस यहाँ से जाऊँगी घर. नो लुकिंग हियर एंड देयर. आज के मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट है दिस एप्पल्स. दिस आर द ओनली चीज़ जो मैं अभी खा सकती हूँ साफ सफाई में, बिकॉज मेरे पास इतना और मैस क्रिएट करना मतलब खाना बनाने की ताकत नहीं है. आज सिर्फ एप्पल और कीवी होगा ब्रेकफास्ट में. ओके, और कुछ नहीं होगा. झाड़ू को पानी देना है बेचारी. कोई आंटी है बहुत बड़बड़ कर रही है. आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग, लगता है उन्हें ब्रेकफास्ट बनाना पड़ रहा है और शॉपिंग में नहीं जाने मिल रहा शायद, इसलिए वो चिल्ला रहे हैं. लेट्स शट डाउन द कैमरा, अदरवाइज वो देखेंगे तो मेरी साउंड रिकॉर्ड हो रही है ऐसा सोचेंगे. सो शाम हो चुकी है और अभी लाइट्स लगाने का टाइम है. और मेरा थीम कुछ ऐसा है कि मैं जो ये फ्लावर्स है प्लांट्स हैं, मैं उन पे पूरा ये लाइटिंग, ये सिल्वर कलर की बेसिकली लाइट है और मैं इसे ही लगाने वाली हूँ. सी व्हाट मैजिक डू आई क्रिएट. इट इज़ नाउ evening time, the sun is about to set and my light is going to be get up. So पहले इसको लगा लेते हैं फिर मैं आपको magic दिखाती हूँ मैंने क्या create किया. तो फाइनली लाइट्स लग चुके हैं. लुक एट दिस, सो ब्यूटीफुल. और भी दूसरे घरों में भी लाइट्स लग चुके हैं. सो दिस इज द सिल्वर लाइट, लुक सो प्रिटी इज इट लुकिंग. एंड दैट्स द प्लांट्स जिस पर मैंने ऐसे पिंक वाली लाइट्स लगाए हैं. सो दैट्स इट फॉर द डे. कैमरा इज ऑन. We are here to purchase some bed sheets. Look
एंड आई हैव परचेज दिस बंच ऑफ फोर बेड शीट्स. ये मुझे बात नहीं करने देगी. हाय गाइस, आई एम सो मच टायर्ड. अभी शॉपिंग हो चुकी है, इट्स 4:30. मैं कुछ 1 o'clock गई थी शॉपिंग पे, कुछ ज़्यादा नहीं, थोड़े से बेडशीट्स, थोड़े से स्नैक्स और यही सारी चीज़ें परचेस की है. तो मेरे पास में बातों में तीन बैग्स फुल हो गए. वन इज़ दिस वन लाइक यर, देन सेकेंड वन इज़ दिस वन एंड द थर्ड वन इज़ दिस वन एंड दिस इज़ मी. सो तीन बैग्स हो गए. अभी मैं थोड़ा सा आके मेरे बिल्डिंग के लॉबी में बैठ गई. मैं कहा मुझसे हाँ नहीं हो रहा है. मैंने तीन बैग कंसेक्यूटिवली कब से पकड़ रखी थी. देयर वाज सो मच ऑफ रश में मुझे ना तो लॉक करने मिला. मैं चैन से सामान तक नहीं खरीद पाई लिटरली. और इतनी सारी लाइन, मानो जैसे पूरी दुनिया बस वहीं आ गई थी शॉपिंग मॉल पे. इट वाज हेल. बट मैंने सारी चीज़ें ले ली. आई एम फीलिंग दैट दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम दैट मैंने खुद से ये सारी चीज़ें बिना मम्मा के साथ खरीदी. मम्मा वॉज इन टू सम वर्क, तो मैंने मम्मी से कहा चलो कोई बात नहीं, इस बार मैं ले लेती हूँ. दैट्स ओके, कम्प्लीटली ओके. टुडेज धनतेरस, हैप्पी धनतेरस टू यू ऑल. लिटिल लेट बिकॉज दिस व्लॉग इज़ गेटिंग अपलोड लेट, बट दैट्स फाइन. ओके सो शॉपिंग का देखते हैं क्या है मेरे बैग में और क्या नहीं. सो इट्स धनतेरस इवनिंग और मैंने ना लाइट्स लेके आई एंड दैट इज़ द लाइट जो मैं लेके आई अभी, जिससे मैंने पूरा सा पैसेज सा जगमगा दिया. लुक, समवन इज मेकिंग सम हॉरिबल एंड मोर देन हॉरिबल रंगोलीज. और उनका देखो इतना प्रिटी और सिंपल और नीट है. Look at this lady and what she is made. देखो ना इतना अच्छा हार्ट बना, it is so beautiful. ये हार्ट है? Yeah. क्या सब मुझे बता सकते हैं क्या ये हार्ट है? जोकर है ये ना पूरी. है हार्ट है ये? एक काम करना, भगवान करे ऐसा दिल किसी का ना हो जो यहाँ बना है. It is very beautiful and I send him for the job. All of us saw कि मम्मी ने क्या रंगोली खतरनाक बनाई थी. कैसी दिख रही है मम्मी, क्या ओपिनियन है आपका आपके रंगोली पे? It is very beautiful. ये देखो, so she is saying it is very beautiful. इस र्यूमर को ना मानिए तो बहुत अच्छा होगा आप लोगों के लिए. आप सब जानते ही है वो क्या बना है. सो प्लीज नॉट पे अटेंशन. मैं यहाँ पे कुछ जाके बनाती हूँ अच्छा सा. सो गाइस, दिस इज द आउटकम. हेलो गाइस, आई एम जस्ट गेटिंग रेडी फॉर द दिवाली इवनिंग एंड अभी तो मैंने स्किन प्रेप की थी. I wanted to remove this blemishes. I don't know कैसा आउटकम होगा. I'm gonna rub this. Okay, सारी चीज़ें मैंने रेडी कर दी है टू गेट रेडी. हैव अ लुक ऑन टू दिस. दिस इज़ द मार्कशीट दैट आई एम गोना अप्लाई राइट नाउ. क्योंकि लाइक रेडी होने के पहले ही मैं इसे प्रेफर करती हूँ दैट द स्किन लुक्स मोर ग्लोई. सो आई एम गोना अप्लाई दिस मार्कशीट. अप्लाई दिस मॉइस्चराइजर दैट इज एलोवेरा जेल. दिस जो ये एलोवेरा जेल है मैंने ये मिनीसो से लिया था. सो इट्स बिन लॉन्ग टाइम नॉट यूजिंग इट. आई एम गोना यूज दिस हेयर मास्क राइट नाउ. हेयर्स नीड टू गेट प्रिपेयर फर्स्ट ऑब्वियसली. देन आई एम गोना रिमूव माई नेल पेंट विद दिस रिमूवर. फिर हम लगाएंगे ये कलर. दिस इज़ द शेड. डू नॉट पे अटेंशन टू दिस बॉटल्स. मैं हमेशा नेल पेंट लगाते वक्त हमेशा गिराई देती हूँ. सो प्लीज़ डू नॉट पे अटेंशन टू दिस. ओके सो दिस इज़, कैन यू जस्ट फोकस दिस डूड.
माई फोन इज नॉट दैट गुड मैन. ओके सो दिस इज द सिल्वर कलर, इसको लगाने के बाद देखा जाएगा. देन वी हैव आवर ड्रेस व्हिच आई एम गोइंग टू वेयर. सो दैट्स इट, लेट्स गेट रेडी. ओके हेलो, हैप्पी दिवाली एवरीबॉडी. ओ द क्रैकर्स आर बर्स्टिंग आउट लाउड. एक छोटा सा मैं आपको हाउस टूर दे देती हूँ. एंड मेरे आउटफिट तो दैट्स माई सिंपल मेकअप. आई एम जस्ट अप्लाइड अ लिप ग्लॉस, अ काजल एप्टिकली, दैट्स इट. दिस आर माई द गोल्डन नेल पेंट. दिस आर द झुमकास दैट आई एम वेयरिंग राइट नाउ. दिस इज द ड्रेस. दिस हैज सम नाइस बॉर्डर डाउन देयर. That's it guys, let's take a house tour of Diwali decoration. So this is how I decorated my home. This is my door. This is the rangoli that I have made. और ये रंगोली के बाद मैंने ये छोटे छोटे स्वास्तिक लगाए हैं यहाँ पे. और ये garland से door cover किया है. Then जब हम अंदर जाते हैं तो फर्स्ट थिंग इज़ दिस ब्यूटीफुल टेबल विच जिसमें है ढेर सारे पैकेट्स ऑफ स्वीट. ये दिया, ये ड्राई फ्रूट्स, गणपति जी, एवरीथिंग इज सो लवली. तो ये डेकोरेशन है. देन हम विंडो की तरफ बढ़े तो मैंने सिल्वर लाइटिंग लगाई है यहाँ पर. और ये प्लांट्स को मैंने पिंक वाली लाइट से कवर अप किया है. दिस इज हाउ दिस बालकनी इज़ लुकिंग राइट नाउ. ये सिल्वर कलर के लवली कर्टन्स हैं. सो हाउस इज़ लुकिंग सो प्रिटी, सो डैम प्रिटी. So this was all. यही था मेरा दिवाली का डेकोरेशन. आई एम वेयरिंग दिस ब्लू ड्रेस, दिस ऑल आर द लाइटिंग्स. और अब ये मैं सारे स्वीट्स खाने वाली हूँ. आई होप यू एन्जॉयड दिस वीडियो. हैप्पी दिवाली टू ऑल. बहुत सारी खुशियाँ, वेल्थ और हेल्थ आप सबको आशीर्वाद. और एन्जॉय योर ईयर. हैप्पी न्यू ईयर. Wear new clothes, be happy always, spread happiness, spread love and spread care. I hope you enjoyed this video. Please give this video a like, subscribe and share.